दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 242 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो शुरू होते ही हम सबसे पहले देखते हैं ग्रैंड मास्टर और टैंशन को। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और यहाँ पर टैंशन ग्रैंड मास्टर के साथ बातें कर रहा होता है। तभी मेडिसन क्लान की डिसेबल और हाउशन सेक्ट के डिसेबल एक दूसरे से सामने जाने लगते हैं। पहले ही हाउशन सेक्ट ने लास्ट टाइम में एंट्री मारकर सबकी जान बचाई थी, पर फिर भी मेडिसन क्लान की डिसेबल हाउटियन सेक्ट लोगों की नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 20 साल पहले हाउटियन सेक्ट ने चारों सपोर्टिंग क्लान को खुद से दूर कर दिया था और अपनी सेक्ट की दरवाजों को कई वर्षों तक बंद कर दिया था। नंबर 1 सेक्ट की साथ हटते ही हुहन एम्पायर ने चारों क्लांस के ऊपर बहुत दबाव बनाया था। काश कर मेडिसिन क्लान, जो कि बैटलफील्ड में अपनी ब्रेकिंग स्पेयर से दुश्मनों की हालत खराब कर देता है और उसे कुछ ज्यादा ही तकलीफ उठानी पड़ी थी। इस वजह से मेडिसिन क्लान के डिसेबल हाउटियन सेक्ट को धोखेबाज लोग मानते हैं। ये सारी बातें टेंशन महसूस कर पा रहा था, इसलिए अब वो ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो हाउटियन सेक्ट को कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दे। अगर हाउटियन सेक्ट और मेडिसिन क्लान की डिसेबल ज्यादा देर तक आमने सामने रहेंगे तो उन लोगों के बीच झगड़ा हो सकती है। इस समय उन लोगों को एक दूसरे से दूर रखना होगा। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं और आश्वासन दिलाते हुए कहते हैं कि वो हाउटियन सेक्ट की कैंप को एम्परर सुबैंग कैंप की नजदीक लगाएगा। इसके बाद टेंशन और ग्रैंड मास्टर यह कहते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब अगले सीन में हमें क्वीन दिलू का सैक्रिफाइस का सीन दिखाया जाता है। इसे देखकर क्वीन रेंक्सू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इस वक्त क्वीन रेंक्सू क्वीन दिलू की मदद से एंजल गॉड की 9th टेस्ट को दे रही है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है, एक ही जगह पर जाम हो गई होती है। क्वीन रेंक्सू की आंखों से बस आंसू बहा रहे होते हैं क्योंकि हमेशा की तरह वह अपनी ग्रैंडफादर की फिक्र कर रही होती है। क्वीन रेंक्सू को इतना दुखी होते हुए देखकर क्वीन दिलू उसे समझाते हुए कहते हैं कि यह मेरी ड्यूटी है, एंजल गॉड का गार्ड होने के नाते यह मेरा काम है। मैं तुम्हारे एंजल गॉड बनने की प्रोसेस में तुम्हारी मदद करूं और मेरे बिना तुम गॉड नहीं बन सकती। ऐसा कहकर क्वीन दिलू एंजल गॉड की एक पिलर पर अपनी पूरी लाइफ पावर ट्रांसफर करने लगता है, जिसे वो पिलर गोल्डन रंग में जगमगाने आने लगता है। ट्रेलर की अगली सीन हमें गोल्डन क्रोकोडाइल मास्टर और बाकी पांचों एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि जेलिंग पास के मेन हॉल के अंदर खड़े थे और उनके सामने बिबडोंग और हुलिना खड़ी थी। गोल्डन क्रोकोडाइल कुछ बताने के बाद बिबडोंग कहती है, सेकंड एल्डर आप ये क्या कह रहे हैं? इस पर गोल्डन क्रोकोडाइल कहते हैं, फर्स्ट एल्डर क्वीन दिलू का आदेश है कि अब मार्शल हॉल एम्पायर वापस लौट जाए, क्या अब अभी मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत है? ये सुनकर बिबडोंग समझ जाती है क्वीन दिलू उसे इस बैटल से हटाना चाहते हैं और शायद उसकी पोजीशन भी छीनना चाहते हैं। ऐसा सोचकर बिबडोंग गुस्सा होते हुए कहती है, सेकंड एल्डर यह मत बोलिए मैं मार्शल हॉल के एम्परर हूँ। बिबडोंग को ऊंची आवाज में बातें करते हुए सुनकर गोल्डन क्रोकोडाइल मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर बिबडोंग को धमकाते हुए कहते हैं, मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और यह कहते ही आज का हमारा ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दे।